तो सर आप आपके गेम के बारे में इनिशियल थॉट्स क्या, कहाँ पे जो हुई उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, जो हमारा गेम की जो प्लान थी वो रेड हॉकी और कैच की, दोनों की अच्छी प्लान थी, लेकिन हमारा जो डिफेंस है, हमारे कॉर्नर और कवर, उस प्लान पे चल नहीं पाए और हमारे मोर मोर पॉइंट चले गए, बोनस प्लस जा रहे हैं, ज़्यादा डिफेंस हमारा लूज होने के कारण में, और बंगाल ये मैच विन कर चुकी है। और कैप्टन के लिए एक सवाल की, मनिंदर का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, उनके खिलाफ कुछ प्लान बनाया था आपने जो चला नहीं, या क्या सिचुएशन कैसे बनी? देखिए, प्लान तो कोई भी टीम है, किसी भी रेड के लिए बनाते ही हैं, और वो हमने बनाया था, लेकिन हमारी गलती की वजह है, क्योंकि हमने मैच को ज़्यादा फास्ट कर दिया और मैच फास्ट होने के कारण हम ज़्यादा एग्रेसिव खेले, मोर पॉइंट गए, ज़्यादा पॉइंट प्लस बोनस गए, इसलिए मैच कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए लूज। और सर आपके लिए क्वेश्चन की, अभी तक का आपका पीके का सीजन कैसे रहा है, और आगे आप किस चीज़ पे काम करना चाहेंगे जो आपका सीजन और बेहतर है? सीजन 10 हमारी टीम के लिए अच्छा ही रहा, और हम जो हमारी अभी मैच में गलती हुई है, हम उस पे पूरा ध्यान देंगे और उसके लिए मेहनत करेंगे, और नेक्स्ट मैच के लिए हम पूरा प्रिपेयर होकर आएंगे, और कोशिश यही रहेंगे कि अच्छा हमारी टीम अच्छा खेले और हम वो मैच जीते। कैप्टन साहब, एक सवाल आपके लिए। आपने शुरुआत में मेंशन किया कि आपने गेम फास्ट कर दिया और अग्रेसिव खेलने लगे, एक मोमेंट जहां पे मुझे लगा कि वो अग्रेसिवनेस नजर आया गेम फास्ट कर दिया, फर्स्ट स्ट्रैटेजिक टाइम आउट के बाद जो नितिन कुमार ने सुपर रेड किया, जहां पे आप लीड कर रहे थे पहले, वहां पे सुपर रेड आया, उसके बाद से पटना पैलेस काफी डेस्परेट लगने लगी लीड में वापस आने के लिए, क्या वो टर्निंग पॉइंट मान सकते हैं? देखिए, कोई भी रेडर अगर अपने टीम के लिए सुपर रेड करता है तो दूसरी टीम का कॉन्फिडेंस अपने आप अप होता है, और प्लानिंग ये थी कि अगर वो बोनस करता है तो हम सभी उसको एक साथ टैकल करने के लिए जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली वो ज़्यादा फास्ट था, या हमारी कमी के कारण वो निकला, क्योंकि अगर हम एक साथ स्पोर्ट के लिए जाते तो वो कैच भी हो सकती थी, उसके बाद मैच उस साइड होता चला गया, इसलिए मैच लूज। कोच साहब, एक सवाल आपसे ये है कि एक पॉजिटिव की तरफ हम देखें, सुधाकर जिनका डेब्यू है पीकेएल, पीकेएल इस सीजन गुजरात जायंट्स के खिलाफ अच्छा मुकाबला था, आज भी बहुत अच्छा किया, क्या कहना चाहेंगे खासकर उनके स्किल के बारे में, जो स्पिनिंग टोटस था या डुबकी की बात करें तो कैसा रहा उनका परफॉर्मेंस? सुधाकर हमारा NYP का खिलाड़ी है, और ये हमने युवा सीरीज से लिया था, और इसका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा ही है, और जो लक का ये हमारा बोनस और इसकी जो दुबकी है बहुत अच्छी है, और ये हमारा ऐसे युवा के हिसाब से जैसे संदीप और ये दोनों दोनों यंग हैं और अच्छी स्किल है, अच्छा पीछे भी इसने अच्छा किया और आगे भी अच्छा किएगा, और ये जो हमारा मैच में जो हमारा डिफेंस में जो मिस्टेक हुई है, हम इसके ऊपर काम करेंगे, इसकी आगे से प्लान बनाएंगे और अच्छा मैच, अगला मैच अच्छा खेलेंगे। मैं अगले मैच भी आने वाला था, अगला मैच मुंबई के खिलाफ है, आप पुणे में खेलने वाले हैं, उसके लिए अब कुछ है मन में या क्या क्या बातचीत होगी इस मैच के बाद खास करके? देखो, मैच ये भी हमारा ऑफेंस ने रेडरों ने बहुत अच्छा स्कोर दिया है, डिफेंस में जो मिस्टेक हुई है, और इस पे हम काम करेंगे, बिल्कुल इसकी तैयारी करेंगे, अगला मैच हमारा मुंबई के साथ में है, हमारी प्लान यही रहेगी कि हमारा डिफेंस आगे गलती ना करे, जो हमारे जल्दीबाजी में ये किया है, एडवांस टैकल करने की कोशिश की है, जो हमारी प्लान थी उसमें जिस तरह थोड़ा एडवांस गया हमारा डिफेंस, हमारी कोशिश यही रहेगी कि आगे भाई हम थोड़ा रुक के खेले, और हमारा ऑफेंस ने इस मैच में अच्छा स्कोर दिया है, और डिफेंस भी पे आगे यही आस रहेगी कि हम उसकी प्लान बनाएंगे और ये गलतियां ना हो, अगला मैच अच्छा खेले। हेलो सर, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि आपको, जैसे आपने बोला कि डिफेंस में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, पूरे मैच में सिर्फ 6 टैकल बॉल्स आए थे, तो आपको लगता है उधर मैच आप मतलब हाथ से चला गया, या रीडिंग में भी गलती हुई, या आप उस पर कैसे काम करेंगे नेक्स्ट मैच के लिए, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, जो हमारा ये जो सिंगल पॉइंट जाता है, बोनस जाता है, उसमें इतना अंतर नहीं आता, जो ज़्यादा पॉइंट जाते हैं, जैसे हमारे बोनस प्लस 3 पॉइंट गए, बोनस प्लस 4 पॉइंट गए, वहाँ थोड़ी ही टीम पीछे वाले जो खिलाड़ी है वो डिस्टर्ब हो गए, वो मैच को रोक नहीं पाए, तो
जैसे एक या दो पॉइंट चला जाता है तो फिर पीछे रुकता रहता है। हमारे जो ऑफेंस वाले ले गए हैं, रेडर ले गए हैं, हमारे एक एक दो दो पॉइंट ले गए, तो सेम यहाँ से हमारा ज्यादा पॉइंट जाना ही कारण में हमारे को वापिस आने का मौका ही नहीं मिला। तो जो डिफेंस में वीकनेस हुई है इसको पर हम काम करेंगे और कोशिश ये रहेगी अगले मैच में टीम अच्छा करे और ये डिफेंस भी अच्छा करके दिखाए। अपना टीम दोनों डिपार्टमेंट डिफेंस एंड ऑफेंस वो प्ले का अच्छा स्ट्रेटेजी सक्सेस हो गया। डिफेंस में वो थोड़ा हेल्प ज्यादा किया इसलिए अपना के दिस विक्ट्री लिटिल कॉन्फिडेंट। सर थ्री सुपर टेंस हुए थे आपकी टीम में से, तो उन तीनों इंडिविजुअल्स के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आपकी परफॉर्मेंस के बारे में? वो थ्री सुपर टेंस इतना इजी बात नहीं, दे डिड वेरी वेल एक्सलेंट बिकॉज दे इन्वॉल्व इन द प्रैक्टिस सेशन हाउ दे वांट टू प्ले अगेंस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेंडर्स। We planned like that, we fixed the strategy like that, because the three super ten, we got three super ten. आपसे यही पूछना चाहता कि strategy क्या थी मैं जो जिस पे काम करा कि आपको इतनी easily super ten मिल गया पूरी टीम में? कुछ नहीं पता, यार हमने पहले ही बोला था कि निकल लड़का नया बहुत तगड़ा है ना, तो आज उसने मतलब दिखाया कि तगड़ा ही है। बाकी श्रीकांत का भी बढ़िया हो गया ना, तो बढ़ा तो बहुत हमारा कॉन्फिडेंस था आपका भी, तो हमने मतलब जो प्लानिंग करी थी ना जो रेडर चलेगा उसको चलाएंगे, तो आज तो तीनों ही चल गए तो तीनों को चला दिया। और आगे का क्या सोच रहे हैं कि सीजन अब तक कैसे गया, आगे का क्या प्लान है? आगे हम देखेंगे उधर घूमने जाएंगे ना हमारा किसके साथ मैच है, तो वो ऐसी प्लानिंग करेंगे हम जाके। कंग्रेचुलेशंस कोच, कंग्रेचुलेशंस मनी। सुपर टेंस की बात हुई है, मैं एक सुपर टेन खास करके बात करना चाहूंगा नितिन के बारे में। यू आर सॉलिड और कपल ऑफ सुपर रेट्स भी रहे हैं उनकी तरफ से, ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे देखेंगे आप उनका? ये ना इनके लिए अपना प्री मैच में हमने जो डिस्कस किया मनी सर से डिस्कस किया, मनी उनका बहुत सपोर्ट किया। मनी बोला मेरा थोड़ा पॉइंट आया तो तू खेलते हो, तू रुकना नहीं थे, तेरा मूवमेंट अच्छा तो खेलते रहो, मैं सपोर्ट करूंगा, तो बाहर आए तो मैं तेरे लेके आऊंगा। ऐसा ऐसा मणि का भी सक्सेस हो गया, उनका और कॉन्फिडेंट बढ़ गया, इसलिए बहुत तगड़ा। तो कंटिन्यू विद मनी, मनी जैसे सीनियर प्लेयर जब टीम में और खुद परफॉर्म कर रहे हो तो बाकी प्लेयर्स के लिए कितना बड़ा सपोर्ट होता है, जो आपने भी मेंशन किया कि तू आगे बढ़, मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा, कितना बड़ा सहारा होता है बाकी नए प्लेयर्स के लिए, खास करके नया प्लेयर्स भी? वो डिफेंस अपॉइंट्स भी बहुत उनका कॉन्फिडेंट मिल गया, वो टीम का बॉन्डिंग अपना बहुत यूनिटी में चल रहा, इसलिए अपना सक्सेस पॉइंट अच्छा। मनी एक सवाल आपसे, अगला मुकाबला आपका पुनेरी पल्टन के खिलाफ है, पुणे में होने वाला है, पुणे को होम एडवांटेज है, काफी सपोर्ट रहेगा, यहाँ पे भी आप लोगों ने बहुत अच्छा किया अब तक जो रहा है, अनबीटन है, टॉप ऑफ द टेबल है, क्या है प्लान्स और क्या सोच रहे हैं कि बस पुणे होम एडवांटेज? पुणे में ऐसे हमारी टीम में महाराष्ट्र के बहुत बंदे हैं ना, तो हमें भी सपोर्ट तो पूरी होगी। बाकी कोई ना, उधर जाके देखेंगे, पुणे की टीम बढ़िया टीम है, तो बराबर मैच, बराबर टीम है तो बढ़िया मैच होगा। कंग्रेचुलेशंस पहले तो, और कैप्टन आपसे पूछना था कि आज आपकी टीम का सक्सेस रेट 70% के ऊपर था और सुपर टेन हुए हैं तीन, तो आपका ऐसा क्या आपने कोई स्ट्रैटेजी बताई थी, जैसे सर ने बताया कि आपने उसको मतलब उनको बताया कि मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, तो और आपने ऐसा क्या करना है और आगे और आपने बाकी रेडर्स को भी आगे बढ़ाना है? ऐसा तो कुछ नहीं है ना, जैसे हम तीन रेडर खेल रहे हैं अंदर, तो हमने तीनों की यही प्लानिंग किया एक दूसरे को हौसला हो ज्यादा ज्यादा ना, अगर किसी की कैच हो जाती है तो हम उसको बोलते नहीं है ज्यादा कि हाँ तो ट्राई कर, हम तेरी सपोर्ट करेंगे, बस यही है। My question is to coach. So there was some errors from Darpan in the defense today. So will you continue to back him or will we see Shreyas in the action in some time? No, it is depending upon the day match. Today we have a very good time to play very well. We got margin more 18 points. In next versus Pune ke sath we have to play
but the same strategy according to their defense and offense. We will plan like that. We have a 2-3 days we plan and then we will fight with them. Hi coach, I'm Ritayan from DJ team. At the start of this press conference you said you want to thank your defenders. Can you explain why? Because the defenders, they are talking each other with opposite riders, how they are playing, where they are taking bonus, where they are attempting. They are together, they are discussing with captain also, they are motivating them. They played their light practice today. Thank you. Thank you.